नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि एचएसएससी के द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। 25 अगस्त को आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी के लिए हम यहाँ पे 7 से जो 8 दिन आपके बचे हुए हैं उनके अंदर मेन वो टॉपिक्स करवा रहे हैं जिससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम 2 टॉपिक करवा चुके हैं। पहला एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक करवा चुके हैं और जो दूसरा टॉपिक है वो हम करवा चुके हैं आईपीसी और सीआरपीसी का टॉपिक हो चुके हैं। ये 2 टॉपिक हो चुके हैं एग्रीकल्चर और आईपीसी। इन दोनों टॉपिक से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर से 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और आईपीसी सीआरपीसी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो हरियाणा का मंत्रिमंडल है। यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। यू नो वेरी वेल हरियाणा के अंदर 1 अक्टूबर से जो विधानसभा चुनाव है वो आरंभ हो जाएंगे। डेट जो है वो फिक्स कर दी गई है। 1 अक्टूबर को इलेक्शन है और 4 अक्टूबर को जो है वो काउंटिंग की जाएंगी। तो इससे पहले हरियाणा का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका होगा। 25 अगस्त यानी कि 6-7 दिन के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और हरियाणा पुलिस की जो नई वैकेंसी है वो भी आ चुकी है कॉन्स्टेबल की। टोटल 5600 पदों पर मेल और फीमेल का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जा चुका है। साथ में 1000 IRB यानी कि इंडियन जो बटालियन है IRB उसकी 1000 पोस्ट भी निकाली गई है। टोटल 5600 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम हरियाणा का जो कंप्लीट मंत्रिमंडल है 2024 का वो यहाँ पे देख लेंगे। सारी अपडेटेड यहाँ पे न्यूज़ लेके आए हैं, किसके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, कौन कौन सा विभाग है, सारी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले आए हैं। सारा अभी तक का अगस्त 2024 तक का अपडेट डाटा है। तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी PDF अगर आप बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बिल्कुल फैक्चुअल डाटा लेके आए हैं, सिर्फ 4 पेजों की ये PDF है, ज़्यादा लंबी नहीं है। लंबा चौड़ा बनाने के लिए वीडियो कितना भी लंबा बना लो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अभी 6 से 7 दिन आपके एग्ज़ाम में पड़े हुए हैं, जितना शॉर्ट डाटा आप पढ़ सकते हैं उतना शॉर्ट डाटा पढ़ लीजिएगा। इस PDF को सेव भी कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। जिस दिन आप अपना एग्ज़ाम देने जाए तो बस में बैठते हुए इस PDF को पढ़ते हुए जाइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिलेगा। बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है, 1 लाइनर यहाँ पे पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हरियाणा का मंत्रिमंडल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना हरियाणा विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं। तो 90 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर। हरियाणा में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है, तो ये 7 मंत्री हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों में कितनी संख्या है, तो टोटल 7 है। उसके बाद राज्य मंत्री की बात करें तो हरियाणा में कितने राज्य मंत्री हैं, तो इनकी संख्या जो है वो है 6। उसके बाद हम बात करें तो हरियाणा में कुल मंत्रिमंडल कितनी है, मतलब मंत्रिमंडल की कितनी संख्या है हरियाणा के अंदर, तो वो हो जाएगी टोटल 13, 7+6 जो हो जाएगा 13। अब हम कर लेते हैं सेपरेट वाइज कर लेते हैं किस किस व्यक्ति के पास कौन कौन से विभाग है। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री से शुरुआत करेंगे, जो कि हमारे नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री, तो इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। नायब सिंह जो सैनी है वो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री अभी बने हैं। और उसके बाद हम आगे देखें तो नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा सीट से MLA हैं। तो ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नायब सिंह सैनी जो है वो किस विधानसभा सीट से MLA हैं, तो वो हैं करनाल विधानसभा सीट से। आइए इनके बारे में थोड़े से और फैक्चुअल पॉइंट्स हम यहाँ देख लेते हैं। तो नायब सिंह सैनी के पास कौन कौन से विभाग है, तो आइए देख लेते हैं। गृह विभाग है जो वो नायब सिंह सैनी के पास है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन जो है वो भी नायब सिंह सैनी के पास है। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग ये भी जो है नायब सिंह सैनी के पास है। सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति ये विभाग भी नायब सिंह सैनी के पास है। उसके बाद हम बात करें विदेशी सहयोग न्याय प्रशासन खान एवं भूमि विज्ञान, तो ये भी नायब सिंह सैनी जी के पास है विभाग। उसके बाद सामान्य प्रशासन की बात करें, CID की बात करें, क्रामिक एवं प्रशिक्षण विभाग की बात करें, राजभवन मामले की बात करें, विधि एवं विधायी की बात करें, तो ये सभी जो विभाग है ये नायब सिंह सैनी के पास रखे गए हैं। मतलब नायब सिंह सैनी के पास ये सभी विभाग हैं। तो सभी आपको याद नहीं करने हैं, सभी आपको याद होंगे भी नहीं, बस आपको मेन जो हैं विभाग वो याद कर लेने हैं। जैसे कि CID विभाग आपका नायब सिंह सैनी के पास हैं,
विधि एवं विधायी विभाग जो है वो नायब सिंह सैनी के पास है, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग भी नायब सिंह सैनी के पास है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो दो विभाग रहने वाले हैं, गृह विभाग और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, तो ये विभाग भी जो है वो नायब सिंह सैनी के पास हैं। इम्पोर्टेंट जो है वो आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कंवरपाल गुज्जर जो हैं, यहाँ पे ये देख लेते हैं कंवरपाल गुज्जर का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है जो है वो है जगाधरी, और जगाधरी कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। कंवरपाल गुज्जर के पास कौन कौन से विभाग है, तो आइए देख लेते हैं कंवरपाल गुज्जर के पास। पहला तो है कृषि एवं कल्याण, किसान कल्याण, तो ये विभाग है कंवरपाल गुज्जर के पास। उसके बाद पशुपालन एवं डेयरी है जो कंवरपाल गुज्जर के पास। मत्स्य पालन विभाग है, संसदीय मामले हैं, आतिथ्य सत्कार है, विरासत एवं पर्यटन विभाग है। तो ये सभी जितने भी पर्यटन मैंने बताए हैं ये सभी कंवरपाल गुज्जर के पास है। अब आप इम्पोर्टेंट सुन लीजिएगा कौन कौन से रहने वाले हैं जो आपको याद करना है। सबसे पहले आपको कृषि एवं किसान कल्याण याद रखना है जो कि कंवरपाल गुज्जर के पास है। उसके बाद पशुपालन एवं डेयरी विकास आपको याद रखना है, मत्स्य पालन आपको याद रखना है, संसदीय मामले एवं आपको याद रखना है, और पर्यटन विभाग आपको याद रखना है। ये सभी विभाग आपके कंवरपाल गुज्जर के पास हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट मूलचंद शर्मा जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो मूलचंद शर्मा जी के बारे में भी जान लेते हैं। मूलचंद शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो मूलचंद शर्मा जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बल्लभगढ़ है, और बल्लभगढ़ कहाँ पर है, ये फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। मूलचंद शर्मा जी के पास कौन कौन से विभाग है, तो आइए देख लेते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मूलचंद शर्मा जी के पास है, श्रम विभाग मूलचंद शर्मा जी के पास है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले भी ये मूलचंद शर्मा जी के पास है, चुनाव विभाग भी ये मूलचंद शर्मा जी के पास है। तो ये सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मूलचंद शर्मा जी के लिए, मूलचंद शर्मा जी के पास रहने वाले हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा याद रखना है, एक तो चुनाव विभाग आपको याद रखना है, एक उद्योग एवं वाणिज्य विभाग आपको याद रखना है, और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, ये तीनों विभाग आपको याद रखने हैं जो कि मूलचंद शर्मा जी के पास हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, जेपी दलाल यानी कि जयप्रकाश दलाल जी के बारे में बात हो रही है, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। तो जयप्रकाश दलाल जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है ये कहाँ से निर्वाचन लड़ते हैं, तो ये लोहारू से निर्वाचन क्षेत्र है इनका, और लोहारू कहाँ पर पड़ता है, ये भिवानी के अंदर पड़ता है। तो जयप्रकाश दलाल जी के पास कौन कौन से विभाग है, आइए इनको भी देख लेते हैं। तो जयप्रकाश दलाल जी के पास है वित्त विभाग है, योजना विभाग है, नगर एवं ग्रामीण ग्राम नियोजन एवं शहरी संपदा है, और अभिलेखागार है। तो ये सभी जो डिपार्टमेंट्स है ये आपके जयप्रकाश दलाल जी के पास रखे गए हैं। मेन कौन सा है जो आपको याद रखना है, एक वित्त विभाग आपको याद रखना है, और एक आपको रखना है नगर एवं ग्राम नियोजन एवं शहरी संपदा। तो ये दोनों विभाग आपको याद रखना है जो कि जयप्रकाश दलाल जी के पास हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बनवारी लाल जी, तो बनवारी लाल जी के बारे में भी जान लेते हैं। बनवारी लाल का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बावल, और बावल कहाँ पर पड़ता है, ये रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। साथ ही आपको ये भी एक फैक्चुअल डाटा याद रखना है, बावल एक रिजर्व सीट है। बनवारी लाल के पास कौन कौन से विभाग है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो बनवारी लाल जी के पास है। उसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी भवन एवं सड़क विभाग भी बनवारी लाल जी के पास है, और वास्तुकला विभाग भी इनके पास है। आपको जो दो मेन इंपॉर्टेंट विभाग रखने हैं, एक तो पीडब्ल्यूडी और जो दूसरा है पब्लिक हेल्थ, तो ये दोनों विभाग बनवारी लाल जी के पास हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, किस व्यक्ति को यहाँ पर संकलित किया गया है। साथ ही आप अगर इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां से इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और फेसबुक पेज ये हमारा है, इसको भी आप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम, तो देख लेते हैं नेक्स्ट के बारे में बात कही है डॉक्टर कमल गुप्ता, जो कि हिसार से संबंध रखते हैं, और आइए देख लेते हैं कमल गुप्ता जी के बारे में। तो डॉक्टर कमल गुप्ता का निर्वाचन क्षेत्र हिसार है, और डॉक्टर कमल गुप्ता के पास कौन कौन से विभाग है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से विभाग है। तो डॉक्टर कमल गुप्ता के पास एक तो स्वास्थ्य विभाग है, दूसरा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग है, तीसरा आयुष विभाग है, और चौथा नागरिक उड्डयन विभाग है। तो ये
चार विभाग डॉक्टर कोमल गुप्ता के पास रखे गए हैं। तो आपको जो मेन जो डिपार्टमेंट्स याद रखने हैं, पहला तो नागरिक उड्डयन विभाग याद रखना है, दूसरा आपको स्वास्थ्य याद रखना है, और तीसरा आपको चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान आपको याद रखना है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट जो है वो कमल गुप्ता जी के पास है। नेक्स्ट मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से अब राज्य मंत्री स्टार्ट हो जाएंगे, तो देख लेते हैं। राज्य मंत्री की बात की गई है श्रीमती सीमा त्रिखा के बारे में हम जान लेते हैं। सीमा त्रिखा का जो निर्वाचन क्षेत्र है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ठीक कर लेना। सीमा त्रिखा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है बड़खल, जो कि फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। सीमा त्रिखा के पास कौन कौन से विभाग है, तो सीमा त्रिखा के पास स्कूली शिक्षा विभाग है और उच्च शिक्षा विभाग है। तो ये यहाँ पे दो विभाग इनको दिए गए हैं, स्कूली शिक्षा और उच्च विभाग इनको दिए गए हैं, जिनका नाम सीमा त्रिखा है। ये राज्य मंत्री हैं और ये कहाँ से है, बड़खल फरीदाबाद से ये राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, निर्वाचन क्षेत्र है इनका बड़खल फरीदाबाद। नेक्स्ट कैंडिडेट पे आ जाएंगे हम, जो कि महिपाल ढांडा जी रहने वाले हैं, ये भी राज्य मंत्री हैं। तो महिपाल ढांडा जी के बारे में जान लेते हैं। महिपाल ढांडा जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है वो है पानीपत ग्रामीण। महिपाल ढांडा जी के पास कौन कौन से विभाग है, तो इनके पास दो विभाग है, विकास एवं पंचायत और सहकारिता विभाग। तो ये दो विभाग महिपाल ढांडा जी के पास रखे गए हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे, असीम गोयल जी की यहाँ पे बात हो रही है, तो असीम गोयल जी के पास कौन कौन से विभाग है, आइए जान लेते हैं। असीम गोयल का सबसे पहले देख लेते हैं निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो अंबाला सिटी इनका निर्वाचन क्षेत्र है, और अंबाला कैंट किसका निर्वाचन क्षेत्र है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो असीम गोयल जी के पास कौन कौन से विभाग है, आइए देख लेते हैं। महिला एवं बाल विकास जो है विभाग, ये असीम गोयल जी के पास है, और परिवहन जो विभाग है ये भी असीम गोयल जी के पास है। उसके बाद हम देख लेते हैं, दो ही विभाग हैं ये असीम गोयल जी के पास, इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव के बारे में। तो डॉक्टर अभय सिंह के बारे में बात करें, तो डॉक्टर अभय सिंह यादव का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा नांगल चौधरी, जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। तो डॉक्टर अभय सिंह यादव का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़। उसके बाद डॉक्टर अभय सिंह यादव के पास कौन कौन से विभाग है, तो आइए देख लेते हैं। तो इनके पास दो विभाग दिए गए हैं, सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण और सिंचाई एवं जल संसाधन। तो ये दो विभाग डॉक्टर अभय सिंह को दिए गए हैं, सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण, और दूसरा जो है वो सिंचाई एवं जल संसाधन। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं सुभाष सुधा जी बताए गए हैं, आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सुभाष सुधा जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है, तो थानेसर कुरुक्षेत्र इनका निर्वाचन क्षेत्र है सुभाष सुधा जी का। सुभाष सुधा के पास कौन कौन से विभाग है, एक तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग है इनके पास, और दूसरा है वो सभी के लिए आवास। तो ये दो विभाग सुभाष सुधा जी के पास रखे गए हैं, शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट बात की गई है विशंबर सिंह के बारे में। तो विशंबर सिंह के बारे में कहा गया, विशंबर सिंह का निर्वाचन क्षेत्र सबसे पहले आप जान लीजिए कौन सा रखा गया है। तो विशंबर सिंह का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है भवानीखेड़ा, जो कि भिवानी के अंदर पड़ता है। और विशंबर सिंह के कौन कौन से विभाग हैं पास में, तो आइए देख लेते हैं इनको भी। पहला तो विभाग तो इनके पास सामाजिक न्याय है, दूसरा विभाग इनके पास अधिकारिता है, तीसरा विभाग इनके पास है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय सेवा। तो ये सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये सभी डिपार्टमेंट्स विशंबर सिंह के पास रखे गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, विशंबर सिंह का निर्वाचन क्षेत्र भवानीखेड़ा भिवानी है। विशंबर सिंह के पास कौन कौन से विभाग है, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग जो विभाग है वो किसके पास है, ये विशंबर सिंह के पास है, जिसका निर्वाचन क्षेत्र है भवानी खेड़ा। नेक्स्ट आ जाएंगे, जो कि लास्ट पर्सन रखे गए हैं संजय सिंह, ये लास्ट हैं, इनके बारे में भी जल्दी से जान लेते हैं। संजय सिंह के बारे में बात करें, तो संजय सिंह का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा रहने वाला है, तो ये सोहना तावड़ू से निर्वाचन क्षेत्र इनका है। और संजय सिंह के पास विभाग कौन कौन से हैं, तो दो विभाग इनके पास है, पर्यावरण वन एवं वन्यजीव विभाग इनके पास है, और दूसरा खेल विभाग संजय सिंह को यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारा जो हरियाणा का मंत्रिमंडल था 2024 का, ये कंप्लीट हमने यहाँ पे जान लिया है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक से दो बार इस वीडियो को देख लेना, एक नंबर या दो नंबर जितने भी नंबर का आएगा हरियाणा मंत्रिमंडल से, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। बस इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। इसकी PDF अगर आप फ्री में चाहते हैं तो हमारे ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप चले जाएंगे। वहाँ से आप ये जो
हमारी PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2024 जो एग्ज़ाम 25 अगस्त को होगा उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, छोटी सी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हम 24 अगस्त तक बहुत सारा डाटा डालने वाले हैं, मेजर वो टॉपिक्स डालने वाले हैं जिससे आपका 50 से 60 मार्क्स का जो है कवर हो जाएगा, 50 से 60 मार्क्स का जो आने वाला है वो उसके अंदर से आ जाएगा। तो इन वीडियोज़ को आप जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश कीजिएगा। दो टॉपिक्स इससे पहले आ चुके हैं, पहला एनिमल हस्बेंड्री का आ चुका है, एग्रीकल्चर का, दूसरा टॉपिक आईपीसी सीआरपीसी का आ चुका है, अभी तीसरा टॉपिक आ चुका है हरियाणा का मंत्रिमंडल। इसके बाद हम लगातार टॉपिक डाल रहे हैं, इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपके 50 से 60 क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लेंगे। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कल या परसों से हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे वो सारे हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, तो वहाँ से आप हरियाणा जी के जो जो भी है क्वेश्चनों का लेवल, हरियाणा पुलिस का लेवल, सब कुछ आपको वहाँ से पता चल जाएगा कितना मुश्किल आपका पेपर आने वाला है, और वहाँ से डेफिनेटली PYQ से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाले हैं, तो उनको अटैम्प्ट करके आप जरूर जाइएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो आपके साथ शेयर करना था, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों के साथ ताकि का इसके अंदर भला हो सके, और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।